ओके तो दिस इज़ अ पार्ट टू। थोड़ा सा इंटरनेट एरर था, देर वाज अ इंटरनेट एरर भाई हमारी तरफ से थोड़ा सा। ओके बच्चों, देर वाज एन इंटरनेट एरर, सो सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग वापस, यस यस, जस्ट प्लीज शेयर द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन बच्चों। हाँ जी, यस यस, थोड़ा सा हाँ वो इंटरनेट एरर था मेरी तरफ से, तो वो ब्लैकआउट हो गया था पूरा। ओके तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ये पार्ट वन पार्ट टू, प्रीवियस वाला रिकॉर्ड हो गया होगा ना। हाँ वो रिकॉर्ड हो गया, मैंने सेव कर, हाँ वो सेव कर दिया मैंने। तो मैं पूछ रहा था रिट्रेट मोमेंट, यूफोरिया मोमेंट, यस वी वर ऑन यूफोरिया मोमेंट, यस उसके बारे में बता। तो यस, तो जब फर्स्ट टाइम रिकमेंड हुई थी तो उस टाइम पे वही जैसे मैं बता रही थी कि उन्होंने बताया दैट, मतलब मुझे पता था कि हमारे उस ग्रुप में ऑल इंडिया रैंक 10, 13, 14 सब थे उस ग्रुप में। तो मैम आई बोली कि 3 ही लोग रिकमेंड हुए, ऑल दी अदर्स वही जो मैम बोलती हैं कि सॉरी, या मतलब सॉरी कि आप लोग बेटर कर सकते हो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ एंड एवरीथिंग। आई स्टार्टेड पैकिंग माई थिंग्स, मेरी फोटो वोटो पेन वैन पड़ा था, मैंने सब पॉकेट वॉकेट में भर के रख लिया, बिकॉज मतलब उम्मीद नहीं थी ऑब्वियसली, बिकॉज यू सी दैट ज्यादा बेटर कॉम्पिटिशन है। एंड देन शी अनाउंस माई चेस्ट नंबर, I was 24, तो उन्होंने मेरा चेस्ट 22, उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस किया और लाइक मैं बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं है, साथ वाले बोल रहे 22, मैं कहा ओह शिट ये तो मैं हूँ। फिर देन आई वेंट अप देयर, मतलब वहाँ पे सामने स्टेज सा बना हुआ था एंड मुझे कुछ नहीं, मुझे आई डोंट रिमेम्बर माई इमोशंस, मुझे याद ही नहीं है अभी भी। आई वॉज सो हैप्पी, सब लोग आगे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, माई टीम मेट्स, ग्रुप, एवरीबडी। It was a beautiful feeling. और तब ऐसा लगा था सब हो गया, अब तो मैं चली जाऊंगी अकेडमी। But yes, life is not the way you think. And so वो first था, और second वाला मेरा एयरफोर्स वाला था अभी दिसंबर में। उससे जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हुई थी, तो माई कॉन्फिडेंस वॉज जीरो भी नहीं, मतलब हाँ नेगेटिव माइनस में ही था, कॉन्फिडेंस बहुत लो था। एंड अपने पे फॉल्स, मतलब आई वॉज लूजिंग द कॉन्फिडेंस। और 70 बच्चे थे, 70 स्क्रीन इन कैंडिडेट्स थे हमारे एयरफोर्स, इसमें से 4 पीपल गॉट रिकमेंडेड आउट ऑफ 70, तो आई वॉज वन ऑफ देम। एंड वो दैट फीलिंग वॉज ऑल्सो बहुत, मतलब आई हैड अ वेरी अमेजिंग ग्रुप, मेरा बैच बहुत अच्छा था, मेरा जो ग्रुप थे वो बहुत बढ़िया थे। और वही सेम फीलिंग, समझ नहीं आता, बहुत खुशी होती है, मतलब आपको समझ नहीं आता हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो वही सिचुएशन, दैट्स इट। ओके तो ये तो हो गई भाई रिकमेंडेशन वाली खुशी मनाने वाली बात। नाउ आई विल गेट डाउन टू बेसिक्स। बेसिक्स मींस रिटन एग्जाम। तो रिटन में प्राची, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई थिंक तुम्हारा एको हो रहा है तो म्यूट कर सकते हो। You are on Bluetooth वाला headset क्या? I think. हाँ तो there is an internet error बच्चों, please hold on, थोड़ा सा आज नेट का इशू हो रहा है तो थोड़ा सा बेयर कर लो यार। Okay now can you hear me? ठीक है, अभी ऑन करके देखो एक बार। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, अभी मेरी आ रही है ना, it's perfectly working now, ठीक है। हाँ तो अभी we'll get back to basics now। इसने एनसीसी स्पेशल भी दिया प्राची ने, एंड देन अब आते हैं एफकेट वाली एंट्री की तरफ भैया, क्योंकि वो तो रिटन एंट्री है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अब मुझे तू एक बात बता कि जब तूने तैयारी करी, और जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एफकेट वालों को, तो इन लोगों को ना पढ़ाई में बड़ी तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ होती है भाई एफकेट के लिए। दे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, उनको बनना पायलट है, बनना ऑफिसर है, पर मेहनत नहीं करना चाहते। अभी तो यू आर ऑल्सो गेटिंग इन टू टीचिंग वाला, तू कर ही रही है ना, तो तुझे पता है सारी चीजें कि लाइक हाउ मच हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड पेन इट टेक्स एक्चुअली टू क्लियर दीज एग्जाम्स। तो तुमने तैयारी के लिए लाइक अगर मैं पूछूं एफकेट के लिए तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी थी और कैसे तैयारी करती थी, किस तरीके से तैयारी करती थी, क्या माइंडसेट रहता था जब रिटन एग्जाम की तैयारी करती थी? सर एक्चुअली मैं सीडीएस के लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरी तैयारी उसी लेवल की थी सीडीएस के लिए। और शुरू के 2-3 अटेम्प्ट में तो ऐसा हो रहा था कि मेरा सीडीएस क्लियर हो रहा था पर एफकैट क्लियर नहीं हो रहा था। लाइक एफकैट का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज लेसर देन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीडीएस। यस एग्जैक्टली, बहुत माइनर डिफरेंस है बट डिफरेंस है। और मेरा सीडीएस का पेपर क्लियर हो रहा था बट एफकैट नहीं क्लियर हो रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आया था कि क्यों मैं इतना डिटेल में पढ़ रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो देयर इज दिस वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन एफकैट, सीडीएस एंड सीएपीएफ। आप सीएपीएफ के लिए पढ़ो और आपका सीडीएस निकल जाएगा, बट एफकैट के लिए आपको स्टिल मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, एक्चुअली मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके। मेरी मैथ्स बहुत खराब है और मुझे मैथ्स को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा था टू क्लियर एफकैट। तो आपको अपनी मैथ्स बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और मैथ्स एक ऐसा चीज है जो अश्योरिटी देती है। एक तो एफकैट की मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट थिंग सिर्फ बेसिक मैथ्स आती है, हाई वो एडवांस मैथ्स नहीं आती है। दूसरी चीज 100% श्योर आंसर होते हैं मैथ्स के, जो आएगा वही आएगा, यू कैन नॉट चेंज द आंसर। तो आपके मैथ्स की आपको वैल्यू रखनी है, रीजनिंग की आपको वैल्यू रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे आपने बोला कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट, और इसीलिए वो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। हवा में तलवार मारने से तो कुछ भी नहीं अचीव होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक बार एटलीस्ट एक बार आपको बैठकर पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हो आप, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद यू कैन टेक ऑफ और आप फिर रिवीजन कर सकते हो। फिर आपको शायद दोबारा सब कुछ ना पढ़ने की जरूरत पड़े, पर वंस यू हैव टू सिट डाउन। जो कि कोई और अभी कमेंट्स में पूछ भी रहा था कि मैं फ्रेशर हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हो, व्हाट डू यू सजेस्ट? तो यही सजेशन है कि एक बार बैठ के लग कर एक एक डिटेल के साथ आप सारा सिलेबस कंप्लीट करो और सीडीएस के लेवल का कंप्लीट करो, ताकि आपका सीडीएस भी निकले और एफकैट भी निकले। और साथ साथ अपनी मैथ्स डेली आधे घंटा ही चले, भले ही आधे घंटा पढ़ो डेली, बट मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आप डेली पढ़ो। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और एफकैट की मैथ्स तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पेपर में नहीं आती है, वो एसएसबी में भी आपसे पूछ लेते हैं। और अगर आपने गलती से बोल दिया कि आपकी मैथ्स खराब है, तो फिर वो आपसे और ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं मैथ्स के। तो बहुत सिंपली, और मैथ्स के क्वेश्चंस एसएसबी में भी दे आस्क यू जनरल एबिलिटी। तो भाई एक चीज मैथ्स पे ध्यान देना है, और शॉर्टकट्स करने से कुछ नहीं होगा। सर आपका भी कोर्स आ रहा है 5 जून से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और पीपल whoever is watching, please take care of your maths. English को बहुत ध्यान रखना है। I'm sorry, I forgot about English. सीडीएस में पूरा एक पेपर होता है इंग्लिश का, एफकैट में भी इंग्लिश आती है और एसएसबी में भी इंग्लिश आती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है या बाद में देखेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना इंग्लिश पढ़े आपका पेपर निकल जाएगा और आप अकेडमी पहुंच जाओगे, इससे बड़ी गलतफहमी आपकी कोई नहीं है। बिलीव मी, इससे बड़ी गलतफहमी आपकी कोई नहीं है। आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको इंग्लिश ऑनर्स लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख सको। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन, वहां पे 500 बच्चे आ रहे हैं, 400 बच्चे आ रहे हैं, 300 बच्चे आ रहे हैं, लड़कों के केस में चलो मैं मान लू 200 आ रहे हैं। 200 में से आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि 200 की इंग्लिश खराब होगी। yes, और अगर 20 की भी इंग्लिश अच्छी हो गई तो आपके 20 चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो प्राची ने सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला प्राची ने। मैं हमेशा देख इनको यही बोलता हूँ, व्हेनेवर आई एम टेकिंग द क्लासेस, मैं बोलता हूँ कि ओटीए वाली लड़कियां एक पेपर 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, एक पेपर इंग्लिश का है। एफकैट में अगर तुझे याद होगा तो एफकैट में भी पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को कट डाउन करके इंग्लिश के 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। यस, तो इंग्लिश 90 मार्क्स की तो एफकैट में ही आ रही है भाई, तो तुम्हारा बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे प्राची ने बोला, 5 तारीख से हमारा एफकैट का बैच आ रहा है। अगर किसी को भी डर लग रहा है ना, विकास सर मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएटी का पोर्शन मैं देखता हूँ, कम ज्वाइन द बैच। एंड 24/7 मेंटर ऑन कॉल की फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ, पूरा बैक एंड सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से, टीम की तरफ से। आप आओ, पढ़ो, एग्जाम इज वेरी इजी। आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने, एंड आई विल हेल्प यू क्लियर योर फंडामेंटल्स। बेसिक्स को मैं मदद करूंगा, बेसिक आपकी क्लियर करने में। और बैच में आ सकते हो, 5 तारीख तक इनरोल कर सकते हो, 5 से क्लास चालू हो जाएंगी रीजनिंग की और मैथ्स की भी, ठीक है। दैट इज एफकेट के बैच की अपडेट्स। अब मैं प्राची से एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि जैसे इंग्लिश का तूने बताया, जीके का प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते एफकेट में, कभी स्टैटिक पूछ लेते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं। हाँ, तो डेली एक बच्चा पूछते हैं ना सर, कभी कभी मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें। तू मुझे एक चीज बता, क्या तू कभी पढ़ाई को घंटे में काउंट करती थी या प्रोडक्टिव आउटकम में काउंट करती थी? बिकॉज मैं कभी घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ा आज तक, इतने 13-14 पेपर मैंने पास किए। मैं ये पढ़ता था कि आज मैं पढ़ने बैठा हूँ, लेट अस सपोज आई एम सॉल्विंग डॉट सिचुएशन वाला क्वेश्चन। अगर तुमने एफकेट दिया तो पता होगा डॉट सिचुएशन पे क्वेश्चन आता है, वेन एंड डायग्राम। हाँ, तो मैं सोचता था कि यार आज एक मैं टॉपिक लेके बैठ रहा हूँ तो आज मैं इसको निपटा दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा। या मैं आज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या इवेंट लीडिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहा हूँ तो मैं वो खत्म करके उठूंगा। तो दैट इज अ इफेक्टिव टेक्निक, गादर देन घड़ी लगा के काउंट करो कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी और आउटपुट आया 0। तुम्हारा क्या मानना है कि पढ़ाई करनी कैसे चाहिए? सर मेरा भी वही है, जैसे आपने बोला कि मैं वही बोल रहा थी, घंटे के हिसाब से सोना, कोई जॉब नहीं है ना आपको 9 to 5 बैठे ही रहना है। मैं तो अभी क्योंकि लाइव है तो मैं दिखा सकती हूँ, मैं तो अपने टाइम, ये आप देखो मेरे टारगेट्स है, ये एक डेट्स लिखी हुई है और टारगेट्स लिखे हुए हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मुझे कंप्लीट करके ही आई नीड टू स्लीप। मैं इसको कंप्लीट करे बिना नहीं सो सकती हूँ। तो आपने टारगेट सेट करो और इसमें सब कुछ लिखो जो भी आपने करना है, दिन का एवरीथिंग। मैं स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, मैं जॉब करनी है, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं डायरी अगर लिख रही हूँ, मैंने कोई पोस्ट, मेरा एनजीओ है खुद का, मैं मुझे उसका कुछ काम है, उसकी कुछ मीटिंग है, मैं सब कुछ इसमें लिखती हूँ और हर चीज टिक करती हूँ। और हुएवर आप मतलब जो भी करो, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना जब मैं वो टिक करती हूँ कि ये मैंने आज का काम कर लिया है। Yes, yes. और मुझे नींद नहीं आती है जब मेरा कोई भी काम उसमें पेंडिंग हो जाता है अगले दिन के लिए। और ये जब आप कंटिन्यूसली ये चीज करते रहोगे तो आपकी हैबिट में बन जाएगा। और भाई जैसे आपने बोला, टारगेट बेस्ड स्टडी करो, आर बेस्ड स्टडी मत करो। घंटे yes. आपका दिमाग एक लिमिटेड टाइम तक प्रोडक्टिव होता है। आपका लग रहा नहीं मैं 1 घंटे से पहले उठूंगा ही नहीं, तो आप पूरे उस 1 घंटे में यही सोच रहे हो कि ये 1 घंटा कब ओवर हो। आप ये नहीं सोच रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि 1 घंटा कब खत्म हो, या भी कितना टाइम हो गया। सो इट्स नॉट, आर्ली बेसिस पे स्टडी मत करो, अपने टारगेट बेसिस पे स्टडी करो। अच्छा, जैसे तूने अभी मेरे को डायरी दिखा दिया, मेरे से अगला क्वेश्चन डायरी से पूछने वाला हूँ मैं कि यू राइट डाउन योर गोल्स, ठीक है। जैसे मेरे को समझ में आ गया, एंड तूने मेरे को पहले भी ये बात बताई थी कि भैया मैं लिखती हूँ गोल्स को, ठीक है। तो मैं भी लिखता था, आई स्टिल लाइक, अगर मैं बताऊं तो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। अभी आज मैं ये 48 लॉज ऑफ पावर ये आज ही लेके आया हूँ और ये अगले हफ्ते तक पूरी खत्म कर देनी है मैंने। मैं लिखता हूँ, आई स्टिल यूज टू राइट। एंड मेरी जो कॉपीज होती थी एसएसबी की, मैं अभी भी बच्चों को उस टाइम पे जो टारगेट्स होते थे मैं फोटो खींच के ग्रुप्स में डालता हूँ कि देखो ऐसे पढ़ाई करो। डू यू बिलीव कि गोल्स को लिख लेने से उनको हासिल करने में कुछ मदद होती है? डू वी अचीव आवर गोल्स फास्टर व्हेन वी राइट देम डाउन, और Do we achieve our goals faster when we just think about it? क्या मानना है तुम्हारा? What do you think? Sir, I am a firm believer of law of attraction. मैंने बुक्स भी पढ़ी हुई है, रॉन्डा वाइन का, पावर, मैजिक, सीक्रेट, एवरीथिंग। And I believe that you attract what you believe. Or by writing it, you just make it more obvious to the world. तो आप कंटिन्यूसली उस चीज को देखते हो तो that is a constant reminder for you. यार ये करना है, ये करना है। ये लिटरली ये डायरी यही खुली रहती है पूरे टाइम। मैं अगर बाय चांस Amazon प्राइम खोल रही हूँ या नेटफ्लिक्स खोल रही हूँ, यही मेरे आंखों के सामने पड़ी है और 20-25 दिन बाद गिल्ट होने लगता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ और मेरा कितने सारा काम पेंडिंग है। और एक मैंने नई चीज ये भी सीखी थी कि जैसे आपने कुछ रिक्रिएशन करना है, जैसे मैं कोई सीरीज देखनी है या कोई मूवी देखनी है, इसको रिवॉर्ड की तरह रखो। एग्जैक्टली, जब आप पूरा दिन का जो आपने, मेरे जब ये पूरे दिन के टारगेट्स खत्म हो जाते हैं तो ये मेरा रिवॉर्ड है कि आज मेरे सारे टारगेट खत्म करें और आज मुझे एक एपिसोड देखने को मिलेगा। सो और ये सब चीजें हमारे लिए, रिक्रिएशन भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है। इट्स अ ह्यूमन ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। तो यस, तो और अपने गोल को ऑब्वियस करो टू दी वर्ल्ड। दुनिया को नहीं बताना, खुद के दिमाग में, आपके दिमाग में। मतलब वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी दिस थिंग कि तुम्हारे दिमाग में खाते टाइम, सोते टाइम, उठते टाइम, सब सो कुछ भी कर रहे हो पॉज चलनी चाहिए, एंड दैट इज व्हेन यू विल गो देयर. मतलब मैं तो फौज में अगर आपको कहीं और कुछ जो बड़े भाई योर ड्रीम इज, थिंक अबाउट इट द मैक्सिमम यू कैन थिंक अबाउट इट. आपके सपने, आपके इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग, सब में वही होना चाहिए. मैं अपने मन में मूवी के सिनेरियो भी बनाती हूँ, तो उसमें भी मैं आर्मी में होती हूँ. तो डू दिस. और उसके साथ साथ एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा प्राची की बात में, एक्शंस. व्हेन यू डू द थिंकिंग और आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में, आप उसको लिख रहे हो, तो यू आर सॉलिडिफाइंग इट. यूनिवर्स विल डू व्हाटएवर इट टेक्स फॉर यू टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू. और जब आप ऐसा करते हो ना, तो यू टेक इंस्पायर्ड एक्शन. आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो क्योंकि आपको पता है 10 बार डायरी में लिखा हुआ है, या तुमने पोस्टर बना के दीवार पे चिपका दिया कि मेरे को आईए में जाना है, आईए में जाना है, एएफए जाना है. वो दिखेगा जब भी तुम मूवी देखोगे, तुम्हें गिल्ट होगा कि यार मैं 4 घंटे पिक्चर में वेस्ट कर दिया, मैं पढ़ लेता तो मेरा तो बहुत सारा काम सॉर्टेड हो जाता. अब जब तुम उसको देखोगे ना, योर ब्रेन विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. द ब्रेन विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. है ना, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है. ओनली थिंकिंग विल नॉट डू, यू नीड टू वर्क. द मोमेंट यू स्टार्टेड पुटिंग इन द यस, जो आप साइक की स्टोरी लिखते हो, ये उसी की तरह है. आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपने एक डिजायर्ड सोचा कि यार ये पिक्चर को मुझे यहाँ पहुंचाना है, एक्शंस तो करने ही पड़ेंगे ना. अपने आप तो पिक्चर पहुंच नहीं जाएगी वहां पे. आप एक लाइन में लिख के तो नहीं आ जाओगे राज ने सबको खुश कर दिया और हो गया. एक्शंस तो लिखने ही पड़ेंगे, और दिस इज योर लाइफ. आपको अपने एक्शंस अपनी लाइफ में खुद लेने. Exactly. तो एज आपने भी मेंशन किया, अपने आप जब आपके गोल्स सॉलिड होते हैं, आपके एक्शंस कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है दोनों के बीच में. Okay. अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया अभी, जैसे कन्वर्सेशन के दौरान ही, तो अभी तो यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू थोड़ा तू भी गाइडेंस की तरफ जा रही है, यू आर ऑल्सो इनटू टीचिंग वाला फील्ड. तो एज अ टीचर या एज अ मेंटर और एज अ पर्सन हु हैव बीन देयर एंड डन दैट, तो मैं बच्चों को जब गाइड करता हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फेलियर से, अपनी लर्निंग से ही गाइड करता हूँ. क्या इनको तुम बोलना चाहोगे? एक ना बहुत बढ़िया टेंडेंसी आ गई है बच्चों के अंदर, जैसे यू आर अ रिपीटर, है ना, मैं भी रिपीटर था. आई वेंट ऑन टू गिव 11 SS. तू भी स्क्रीन आउट हुई है, कॉन्फ्रेंस आउट हुई है, तूने सारे फेस देखे, रिकमेंडेशन से लेके सारे, मैंने भी सारे देखे. तो क्या होता है, एक बार ये लोग कोशिश करते हैं, फेल हो गए, फिर छोड़ देते हैं, फिर गलती से दूसरी बार चले जाते हैं, गलती से दूसरी बार ट्राई कर लेते हैं, अब रिटन में ही फेल हो रहे हैं. तो एसएसबी में तो चलो बहुत बड़ी बात है, एसएसबी में जाने का तो बंदे का कॉन्फिडेंस ही पूरा गिर जाता है. लेट अस सपोज हम कॉन्फ्रेंस आउट होके आते हैं, तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार वेयर डिड आई वेंट रॉन्ग. अपना इतना मेहनत करने के बाद भी कॉन्फ्रेंस आउट, हाउ आई कैन बी कॉन्फ्रेंस आउट. तो वो जो गिव अप करने की टेंडेंसी है ना, अभी आज की जनरेशन में, वो हमारे, मेरे से तो खैर छोटे ही होंगे 1-2 साल सारे बच्चे, तुम्हारे एज ग्रुप के ही हैं. वो टेंडेंसी तुम्हारे अंदर भी होती होगी कहीं ना कहीं, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आती होगी कि यार चलो छोड़ो, गिव अप कर देते हैं, अब नहीं मन कर रहा, भाड़ में जाने दो. तो उससे तू कैसे ओवरकम होती है, या अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि उसको ओवरकम करना है, गिव अप नहीं करना, तो वो कैसे बताओगे तुम? सर मतलब इसको मैं, भाई आपने जैसे बताया मेंटर बन गए हो तो अपने एक्सपीरियंस से बताते हो, तो मैं एक्सपीरियंस से बताती हूँ. मेरी अभी जो एयरफोर्स का एसएसबी था, उसकी कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया था कि व्हाट हैपेंड इन योर लास्ट अटेम्प्ट्स. तो मैंने बताया सर आई गॉट रिकमेंडेड इन माय फर्स्ट, देन 2 कॉन्फ्रेंस आउट एंड देन 1 स्क्रीन आउट. तो ही वाज लाइक कि स्क्रीन आउट, दैट मस्ट बी वेरी डिसहार्टनिंग. वो मुझे ब्रेक करना चाह रहे थे, पर लेकिन मैं ब्रेक हो चुकी थी, मेरा ब्रेक होकर खत्म हो गया था. मैं जब स्क्रीन आउट हुई थी तो मैं सैड हुई थी, मुझे तब लगा था कि क्या बेकार की चीजें, नहीं करनी कुछ भी, मतलब रिकमेंड होने के बाद स्क्रीन आउट हो रही हूँ, क्या ये, हाउ इज दिस लिंक्ड. बट मैं टूट चुकी थी, मैं ओवरकम कर चुकी थी उस फेज को. उन्होंने मुझसे पूछा यू मस्ट बी वेरी सैड, आप तो डिसहार्टन हो गए होंगे, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग. ऐसा उन्होंने बोला. मैंने कहा नो सर, इट वाज नॉट डिप्रेसिंग एट ऑल. आई वाज ऑब्वियसली डिसहार्टन, आई फेल्ट बैड, बट आई ओवरकम एंड राइट आई हियर आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी एंड आई एंजॉयड द प्रोसेस. तो ऐसा नहीं है कि आप सैड होना, परेशान होना, ये आपके इमोशंस का पार्ट है, आप इसे साइड नहीं कर सकते हो. द ओनली थिंग यू कैन डू इज इसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दो. 2 दिन सैड हो जाओ, 1 हफ्ता दुख मना लो, बट देन आपके गोल्स, आपकी ड्रीम्स इतने सॉलिड होने चाहिए कि 1-2 फेलियर्स, 10 फेलियर्स, 15 फेलियर्स, जब तक आपके पास चांस है, जितने मर्जी फेलियर्स हो जाए, वो आपको अपने ड्रीम तक जाने के लिए रोक ना पाए. एज हो जाएगी फिर तो गिव अप करना ही है, तब तो ऑप्शन बचेगा नहीं. पर एटलीस्ट जब तक एज नहीं हो रही, जब तक यू कैन, तब तक अपने अंदर चेंजेस लाओ, इम्प्रूवमेंट लाओ, एंड देन कीप ऑन गोइंग. एग्जैक्टली. तो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज द की, जैसे मैंने प्राची से सुना, प्राची ने भी बोला बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज द की. यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. तो वेल, जब मैं प्राची वाले जोन में था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, एंड दैट वाज द टेन्योर ऑफ 2015 टू 2020, 5 साल का जो टेन्योर था, मैंने जितने भी 11 एसएसबी दिए, मैं बहुत बार फेल हुआ. मतलब एसएसबी में जाता था, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था, फिर कभी कभी ऐसे वो कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद लगातार 2 एफकेट में स्क्रीन आउट्स, तो बंदा ना बिल्कुल खत्म हो जाता है. फिर बोलता है यार अब एफकेट भी नहीं देते, छोड़ो. फिर सोचते नहीं यार स्टार्ट किया था तो खत्म करेंगे. आई स्टार्टेड गिविंग देम टिल द टाइम आई गेट ओवर एज. अभी टीए है, ठीक है, टीए इज देयर, स्टिल टीए इज देयर, आई क्लियर माय टीए एग्जाम्स आल्सो. बट क्या होता है ना कि आप अगर हार मान जाओगे ना तो फिर तो कहानी खत्म है भाई. हार नहीं मानने का. और व्हेनेवर यू आर फेलिंग तो यू हैव टू स्टैंड अप अगेन, है ना. अगर तुम खुद से कोई वादा कर रहे हो, यू हैव अ ड्रीम, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ फॉर योरसेल्फ ओनली, और उसमें तुम हार मान जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या ही इंटीग्रिटी रह जाएगा यार. तुम तो अपने लिए ही लॉयल नहीं हो, है ना. तो मेन मुद्दा वही है. और जब फिर दोबारा अगली बार क्वेश्चन पूछो डू यू हैव इट इन यू, तो बोल देना नो, बिकॉज फेलियर पे खड़ा होना तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है फौज का, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है दैट हाउ यू ओवरकम योर फेलियर्स. प्लान ए फेल होगा, प्लान बी फेल होगा, पर प्लान सी हो सकता है सक्सीड हो जाए, प्लान डी सक्सीड हो जाए, प्लान ई हो जाए, एफ हो जाए, जी हो जाए. पर अगर तुम लगे रहोगे ना तो तुम पहुंचोगे जरूर. पर अगर हार मान जाओगे तो 27 होते हैं, इतने तो प्लान बना लो. हाँ, है ना. तो सही, बिल्कुल सही बोला प्राची ने कि देयर आर जितने भी अल्फाबेट से उतने प्लान होने चाहिए. एंड अगर एक रास्ता नहीं जा रहा तो दूसरा रास्ता. एंड यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा अपने बारे में, यहाँ पे डिफेंस एग्जाम मास्टरी जो हमने बिल्ड किया था व्हेन आई स्टार्टेड प्राची, तो मेरे पास एक ही विजन था. मेरे लास्ट एसएसबी में, तो एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब मैं लास्ट एसएसबी में था और कॉन्फ्रेंस चल रही थी मेरी, सॉरी कॉन्फ्रेंस से पहले इंटरव्यू था, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी कि शिवम, दिस इज द लास्ट एसएसबी ऑफ योर रेगुलर अटेम्प्ट. एफकेट था, आखिरी अटेम्प्ट था. आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. व्हाट विल यू डू इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम ऑल्सो. तो मैंने कहा सर अब भाई, बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं वहां पे ये तो नहीं दिखा सकता था कि खत्म है दुनिया, खत्म है, बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा. नहीं, मैंने कहा सर इफ आई कुडंट, आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, आई हैव डन ऑल द रिसर्च, ऑल द एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, व्हाटएवर इंट्रोस्पेक्शन आई हैव डन, आई वाज लैगिंग इन दिस, दिस इज द टाइम, दिस इज टाइम आई प्रिपेयर्ड दिस, इस तरीके से मैं आया हूँ. पर अगर फिर भी नहीं होता ना तो मैं खुद से जाऊंगा, बट मैं व्हाट आई विल डू, आई विल मेक माय ओन एफर्ट्स, आई विल टीच किड्स, हेल्प देम गेटिंग रिकमेंडेड और हेल्प देम लाइक इन क्लियरिंग देयर रिटन एग्जाम्स, और मैं अपने एफर्ट्स बना के भेजूंगा. So he was laughing. Bola, good spirit, gentlemen, good spirit. And same question was asked in my conference. Ki, what will you do if you do not get selected? Even though I couldn't get selected in that SSB, last SSB of AFCAT. But when I came back from the conference, bola, मेको लगा कि यार I gave my best shot. Result चाहे जो भी हो, अपन ने कोशिश करी, अपन शुरुआत से लेके एंड तक फाइट किए. हुआ ना हुआ वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो. पर अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो तुम एक रिग्रेट की फीलिंग के साथ सोने वाले हो रोज कि यार काश कर लेता. तो लाइफ में ना कुछ भी करना, कभी काश मत बोलना. मेरा तो ये फंडा है. और अगर तुम अभी भी एज ग्रुप में हो, इफ यू आर 16 टू 25 इयर्स ऑफ एज ब्रैकेट में हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो. वी गॉट अ टीम जो 24 घंटे लगी है रिटन एग्जाम्स के लिए. एफकेट हो, सीडीएस हो, एनडीओ, कोई भी एग्जाम में तुम फंस रहे हो ना, यू कम टू अस. एक बार बात करना मेरे से, मैं बताऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि करना कैसे है. तुम्हारा लेवल कुछ भी हो, इवन इफ यू आर जीरो इन मैथ्स, जैसे प्राची ने बोला कि मेरे को मैथ्स से डर लगता था, इसका वाला हाल मेरा था. मैं भी सेम ही था, पर मैं अपना काम चला लेता था मैथ्स में. इतना मैं पढ़ लेता था कि मेरा एफकेट निकल जाता था, सीडीएस आई में भी निकल जाता था. इवन आई एफ क्लियर हर बार सीडीएस मैंने क्रैक किया तो एएफए के लिए निकाला, तो सोचो मेरा स्कोर 150 प्लस रहता था 300 में से. तो जहाँ पे गोल्स की बात आई, मैंने गिव अप नहीं करा. दैट हैज टू बी द स्पिरिट. अच्छा, अब मैं एक प्राची से लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा. एक ऐसा मैसेज तू जो देना चाहती है ना, यू आर ऑल्सो इन द सेम एज ब्रैकेट, अभी तो अकेडमी भी जाएगी थोड़े टाइम बाद, तो क्या बोलना चाहेगी इन सबको कि थोड़ा थोड़ा कैजुअल अप्रोच इनका है बच्चों का. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी कैजुअल इन देयर प्रिपरेशन, है ना. अगर गाइडेंस भी ले रहे हैं तो 2-4 दिन मेरी क्लासेस में मोटिवेशन से पढ़ेंगे, 1 हफ्ते तक पढ़ेंगे, उसके बाद डाउन हो जाते हैं. मतलब व्हाट इज द थिंग दैट शुड कीप देम गोइंग. कैसा मतलब एक माइंडसेट कैसा बना के रखें कि एंड में आके सक्सेस मिले ही मिले. और एक मैसेज जो तुम अपनी तरफ से इनको देना चाहो, क्या बोलना चाहोगे आप अपने भाई और बहनों को. आपने पहली वाली बात बोली कि कैजुअल अप्रोच है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये 5 वर्षीय योजना नहीं है. आपको इसको कि खींचते ही चले जाना है, खींचते ही चले जाना है. अपना 1 ईयर प्लान बनाओ, क्विक वाला, डू इट, गिव इट एंड गेट ओवर विद इट। इसको नहीं हो रहा है तो दैट इज समथिंग सेकेंडरी, बट आप प्लान तो मत करो ना। आपका प्लान तो यही होना चाहिए कि पहली बार में क्लियर करना है, सब पहली बार में जाना है। सो और कैजुअल रहोगे तो फिर तो इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स। और अ मैसेज फ्रॉम मी, वही मैंने पहले भी बोला, अपनी इंग्लिश पे बहुत ध्यान दीजिए, हमेशा अपने ब्रेन को एक्सपैंड करने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीजें, शॉर्टकट्स ढूंढते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। साफ साफ फ्रैंकली बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा। छोटे रास्ते ना फौज लेती है ना उन फौज लेने वालों को प्रेफर करती है। तो मैं ये नहीं कह रही वो मतलब आप पूरा यूपीएससी की पढ़ाई कर लो सीडीएस के लिए, बट आप इतना सफिशिएंट पढ़ो, इतना पढ़ के ही बेटर है। आपके पास अगर इंजीनियरिंग या और कोई एंट्रीज हैं, उसमें भी एसएसबी के लिए भी पढ़ना पड़ता है। एसएसबी इज रिक्वायर्स अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी, चेंज इन योर बिहेवियर। कोई भी परफेक्टली बॉर्न नहीं होता है, उनको परफेक्ट लुक नहीं चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं। अपने आप को एनालाइज करो, कॉन्स्टेंटली एनालाइज करो। और अगर आपका तैयारी करने में ही कैजुअल अप्रोच है तो आप खुद सोचो कि आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका अप्रोच उसके लिए कैसा है। क्या वो सेम है, क्या उसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी है, क्या कोई लिंक बैठ रहा है। मैं चल रही हूँ 1 कदम और मुझे जंप लगानी है 1 मीटर की, ऐसे कैसे हो जाएगा। So that is the only thing. Okay. वही है, एग्जाम्स, एसएसबी एक वॉर है, और पढ़ाई, आपका एनालिसिस, योर सॉलिड के, ये सारी चीजें आपकी वेपन्स हैं। अपने वेपन्स को पीछे छोड़ दोगे तो वॉर में हार जाओगे। Okay. एक चीज और, लास्ट आखिरी सवाल आज का। अब तो मुझे ये बता, तेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे हुई? तू तो यूपी से, और बहुत सारे बच्चे हमारे यूपी वाले तो अंग्रेजी में उस्ताद होते, मतलब बिल्कुल खत्म मामला है। तो तू बता के जा इनको, यू हैव बीन थ्रू एनसीसी ना, एनसीसी वाले भी हो तुम। तो एनसीसी वाले बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी एनसीसी का हमारा एसएसबी का बैच आ रहा है 3 जून से, तो उसमें बच्चे आ रखे हैं बहुत सारे। अब उसमें हो क्या रहा है, उनको बोलना ही नहीं आ रहा, उनको अपना इंट्रोडक्शन तक देना नहीं आ रहा। अब तुमको पता है कि अगर मुंह से बोलोगे नहीं तो स्क्रीन आउट तो वैसे भी हो जाओगे वहां जाके, है ना। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर में तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर इतना ज्यादा अनॉय हो जाएगा तुमसे कि तुम बोलोगे इंग्लिश और निकलेगी फारसी, है ना। तो वो एक बेसिक, मतलब कुछ बोलना चाहोगी इनको, कुछ ऐसे टिप्स देके जा, क्योंकि तू अभी उसी जोन में है ना। मेरी बात तो सुनते नहीं है बच्चे बहुत सारे, अभी भी कुछ जो सुन लेता है उसका भला हो जाता है। स्टिल व्हाट डिड यू डू, अभी तुमने क्या ऐसा किया कि तुम्हारी इंग्लिश कॉमिक स्किल्स अच्छी हुई? बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है एक्चुअली में। प्राची, क्या कर सकते हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी बचपन में मम्मा इज अ इंग्लिश टीचर, तो दैट इज हाउ बचपन से वो मम्मी मुझे सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, मुझे इतनी गुस्सा आता था जब मैं छोटी थी, मम्मी मुझे पोएम रेसिटेशन, एस्से रेसिटेशन, हिंदी रेसिटेशन सब में डाल देती थी। तब मुझे बहुत बुरा लगता था। आज मुझे पता चल रहा है कि उस चीज की कितनी वैल्यू रही मेरी लाइफ में, कि मुझे उसका कॉन्फिडेंस मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला। फिर जैसे मैं बताया एनसीसी से, You give me high five. My father is also English lecturer, तो वो सेम चीज मेरे साथ भी रही, तो मेरी अंग्रेजी by God's grace ठीक हो गई। बहुत चप्पलें खाई है मैंने तो लिटरली उस चीज के लिए। गंदी राइटिंग लिखने के गंदे, मैं बाहर खेले जाती थी और मैं कुछ अजीब सा यहाँ का लोकल वर्ड भी सीख के आ जाती थी, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम, बट हाँ ये एक चीज थी। दूसरा वॉज भाई मैं क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग उसमें हूँ, तो पढ़ाने से भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो अब ऑब्वियसली आप सब लोग टीचिंग नहीं कर सकते हो, बट आप ये कर सकते हो, आप सामने एक टेडी बेयर रख लो। अब मैं सजेशन दे रही हूँ, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। एक टेडी बेयर रख लो, या आपका कोई छोटा भाई बहन हो जिसका लाइफ में कुछ काम नहीं है उसको आप यूज करो और उसको पढ़ाओ, उसको समझाओ। क्योंकि हम जब चीजें समझाते हैं, किसी और को बताते हैं, तो वो हमको ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेंशन होता है उसका। ये कर सकते हो। दूसरा चीज कॉन्फिडेंस के लिए, आप चीजें लिखो, आप जैसे IR के टॉपिक्स प्रिपेयर करो, उनका ऐसे लिखो और उनको शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, रिपीट करो। इससे आपको एक्चुअली, जिन लोगों को भी कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है, उनका सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ बोलते टाइम, या मैं कैसी लग रही हूँ बोलते टाइम, मुझ पर लोग हंसेंगे तो नहीं। तो जब आप खुद को देखते रहोगे आपको खुद से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार सब सही लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन स्पीक, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड हो जाएगा। Exactly. तो यहाँ पे भी ना जैसे प्राची ने बोला, एंड वी विल बी रैपिंग अप दिस सेशन ये लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस के साथ, कि हम दोनों का बैकग्राउंड टीचिंग फैमिलीज थी, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तुम्हारे साथ हो सकता है ऐसा ना हो, पर वहां पे मैंने एक ऑप्शन इन बच्चों को ओपन करके दिया है कि यू गॉट इवन अ लिटिल क्वेरी, कोरा पे आई गॉट मोर देन 1 लाख आंसर व्यूज एवरी मंथ, और बच्चे ऐसी ऐसी टुल्लू मुल्लू सी क्वेरीज पूछते हैं ना, कभी कभी हंसी आती है, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर देम बिकॉज दे आर लुकिंग अप फॉर एन आंसर। तो आप मेरे पास आ सकते हो, आई विल गिव यू अ मॉड्यूल, मैं 20 वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूँ, आप डिफेंस एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पे जाना, बेसिक कम्युनिकेशंस को कैसे ठीक करना है, एंड आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे प्राची ने बोला कि छोटी छोटी हैबिट्स डाल सकते हो, तो उसी से होगा। द मोर यू प्रैक्टिस, और आप अपने किसी एक फ्रेंड सर्कल छोटा सा ऐसा बना सकते हो जहाँ पे आप जीडी कर रहे हो, आपस में पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आप सब जैसे होता है ना, चारों बेवकूफ है तो बेवकूफ में कोई जजमेंट नहीं करेगा एक दूसरे को, है ना, तो जब 4 लोग ऐसे मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। और या फिर शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, तो यही एक रास्ता है भाई। ग्रुप वाला तो बहुत, मेरी फ्रेंड यहाँ पे है भी, शायद मिली अभी, उसने ज्वाइन किया था, तो हम लोगों ने यही ग्रुप बना रखा है, हम उसी में डिस्कशंस करते थे, साइक प्रैक्टिस करते थे, जीडी प्रैक्टिस करते थे, जीपी प्रैक्टिस करते थे, सो और बहुत हेल्प करता था वो, आप दूसरे को इम्प्रूव करते हो, वो आपके बारे में बताते हैं, 1-1.5 घंटे के सेशंस हो जाते थे वो, बट बहुत हेल्प होती थी उससे। Yes, तो ये आप कर सकते हो। फौज में कॉपरेशन है भैया, कॉपरेशन, और मैं अपने बच्चों के बीच में, जब मेरे बैच में जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनमें ये क्वालिटी बहुत ज्यादा फोर्सफुली इंस्टिल करता हूँ कि कॉपरेट करो एक दूसरे के साथ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक अच्छे इंसान के अंदर, सबके अंदर होती है, जैसा कि इतना 5 साल का टेन्योर रहा टीचिंग का, उसमें मैंने यही सीखा है कि हर उस अच्छे इंसान के अंदर सारी ऑल की यूज होती है। मुद्दा होता है 5 दिन में जाके दिखा के आने का। इफ यू हैव इट इन यू, यू कैन शो देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट एग्जाम पास करना पड़ेगा। एफकेट का बैच आ रहा है 5 तारीख से, ज्वाइन कर लेना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत समस्या ऐसी आ रही हो कि समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरे नंबर पे मेरे से बात कर लेना। आई विल सी यू समडे और अदर इन एनी अदर लाइव सेशन। बच्चों, थैंक यू सो मच प्राची फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेरिट, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून बडी। ठीक है, और वी सी, हम देखेंगे तुम्हें बहुत जल्दी पीओपी में तुम्हारी अगली साल। ठीक है, चलो, जय हिंद, टेक केयर। जय हिंद सर, थैंक यू, बाय।